हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीज मेनू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का मसाले की रेसिपी। इसमें मैं तंदूर या अवन यूज नहीं करूंगी, ना ही मैं यहाँ पर रेडीमेड मिक्स यूज करूंगी टिक्का का। तो इसे कैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें चिकन टिक्का बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करके इसको फिर 15-20 मिनट के लिए मैंने स्ट्रेनर पर छोड़ दिया था, ताकि जो एक्सेस वाटर होता है ना वो निकल जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फिर 15-20 मिनट के बाद इसे मैं अभी किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसको पैट कर लेना है, अच्छी तरह इसका पानी सुखा लेना है, चिकन को हमें ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अभी सारे चिकन के पीसेस को अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 1 tablespoon यहाँ पर मैं लेमन जूस ले रही हूँ। तो जो लेमन जूस होता है वो टिक्के को एक अच्छा फ्लेवर तो देता ही देता है, पर वो क्या करता है कि जो चिकन के पीसेस होते हैं उसे टेंडर बना देता है, उसे सॉफ्ट बना देता है। तो यहाँ पर अभी लेमन जूस डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो डाल देना है हमें। अब हम लोग इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मसाले यूँ हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, तो वो 1 tablespoon लेना है। तो यहाँ पर जो ये मेरा स्पून है वो टीस्पून है, तो 3 teaspoon मतलब 1 tablespoon होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 tablespoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1/2 teaspoon मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, और फिर मैं यहाँ पर 1 teaspoon यहाँ पर मैंने धनिया का पाउडर लिया है, 3/4 teaspoon मैंने यहाँ पर क्यूमिन सीड्स पाउडर लिया है, नमक आप 1/2 teaspoon अभी डालिए, 1/2 से 3/4 teaspoon तक आप नमक डालिएगा, नमक ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हम करी भी बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर ये डाल दिया है मसालों में। अब मैं यहाँ पर 1/2 teaspoon गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये 1/2 teaspoon गरम मसाला भी चला गया। अब चलिए इसमें हम लोग 3/4 teaspoon नॉर्मल रेड चिली पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर जिसमें मिर्च ज़्यादा होता है, तो ये 3/4 teaspoon डाला है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हंग कर्ड, मीन्स बिल्कुल जो थिक योगर्ट होता है ना दही, वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो अच्छा सा एक मसाला पेस्ट बनकर आ जाए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल दही डालिए, बट कोशिश करिए कि बिल्कुल भी पानी ना हो उसमें। या फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा दही लीजिए कॉटन के किसी हैंकी वगैरह में, उसमें डाल के उसको थोड़ा सा देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिए कहीं पर टांग कर, तो क्या होगा ना एक्सेस वाटर वो दही में से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने 2 से 2.5 tablespoon हंग कर्ड लिया है। यहाँ पर जो मैंने चिकन लिया है वो विथ बोन है। तो जब हम होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, चिकन टिक्का वगैरह वो लोग सर्व करते हैं, तो वो लोग बोनलेस चिकन के साथ देते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने अभी नॉर्मल जो हम लोग घर पे करी वगैरह बनाने के लिए चिकन लेते हैं उसी से ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे बोनलेस तरीके से भी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन लेकर सेम प्रोसीजर के साथ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो बेटर है ये जो मैरिनेशन है आप हाथ से ही रब करिए, तो ही वो अच्छी तरह चिकन में क्या बोलते हैं ना मिक्स होकर आएगा। स्पून से उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, हाथ से करेंगे तो चिकन के हर पीसेस में बहुत अच्छी तरह से हम मैरिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दही है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने थिक योगर्ट लिया है, वो मैंने इसलिए लिया है ताकि जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से चिकन में चिपक जाए। और मेक श्योर रखिएगा कि चिकन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो क्या होगा ना, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जो मसाला होगा वो पूरा पानी में ही निकल जाएगा, चिकन में कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है इस बात का कि चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और कोशिश करिए जो दही ले उसमें पानी कम हो या फिर ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसको मिला लिया है। तो अभी हमें इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। मैरिनेशन के लिए या तो आप ओवरनाइट इसको जस्ट मसाला लगा के फ्रिज में छोड़िएगा, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में छोड़ देगा और अगले दिन बना लिएगा आप, या फिर आप मिनिमम इसको 1 घंटा तो छोड़िए, मिनिमम 1 घंटा छोड़िएगा, या फिर 2 से 3 घंटा भी आप छोड़ेंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर मैं अभी इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ, फ्रिज के अंदर छोड़ूंगी, फ्रीज़र में नहीं छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करेंगे तो आप इसको
मैरिनेट करके फ्रिज में ही रखिएगा ओवरनाइट के लिए, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, और अगले दिन नॉर्मली आप इसके टिक्के बना लिएगा। तो देखिए यहाँ पर तो मेरा अभी अच्छी तरह मैरिनेशन हो गया है, तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके टिक्के बनाऊँगी। बेसिकली मैं जब ये करी घर पे बनाती हूँ तो मैं ये मसाले नहीं डालती। मैं क्या करती हूँ, रेडीमेड चिकन टिक्का मसाले का रेडीमेड पाउडर आता है, मैं वो ही यूज़ करती हूँ। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह टिक्का मसाला मिले पैकेट में, रेडीमेड पैकेट वगैरह, तो जिनको नहीं मिल सकता तो मैं उनके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप घर पे कैसे बिना टिक्का मसाला, रेडीमेड बिना टिक्का मसाले के आप कैसे घर पे एक बढ़िया शानदार सा चिकन टिक्का मसाला बना सकते हैं, तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर चिकन है वो 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। तो अब मैं इसके टिक्के बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है, ज़्यादा तेल डालने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई मत करिएगा, फालतू में तेल भी इतना वेस्ट हो जाता है हम लोग का। तो तेल को आप मीडियम पे गरम करना है आपको। तो यहाँ पर अब एक एक करके पीस आपको चिकन के डालते जाना है। मैं आज वीडियो ले रही हूँ इसलिए मैं आपको ये शैलो फ्राई करके दिखा रही हूँ, पर जब मैं नॉर्मली ये घर पर चिकन टिक्का बनाती हूँ तो मैं इसको एयर फ्रायर ही करना पसंद करती हूँ। उसमें क्या होता है, ऑयल भी नहीं लगता, जल्दी आपका चिकन टिक्का वगैरह सब अच्छी तरह पककर आ जाता है। पर अगर हमारे पास अवन नहीं है या एयर फ्रायर नहीं है तो या फिर तंदूर नहीं है तो हम कैसे चिकन टिक्का बना सकते हैं, तो ये रेसिपी मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस को ऐसे डाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो फ्लेम है आपको मीडियम पे रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे आपको 2 से 3 मिनट इसको रखना है ताकि जो नीचे से हमारा जो चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कोटिंग आ जाए ब्राउन कलर का। तो यहाँ पर अभी आप क्या करिए, मीडियम फ्लेम पे इसको लो टू मीडियम के बीच पे रखिएगा और इसको आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस चिकन को 5 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर पकाइए, बीच बीच में चेक करते रहना है। तो देखें यहाँ पर अभी 5 मिनट हो गया है। चिकन जब आप डालें तो तुरंत ही उसमें स्पून डालने का ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होता ना कि चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो छूटनी शुरू हो जाती है। चिकन को डालिए और 5 मिनट तक आप इस पर हाथ ना लगाएं। फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखना है, लो और मीडियम के बीच में या फिर मीडियम। तो यहाँ पर देखिए मेरा मीडियम पे रखा हुआ है गैस को और आप देख सकते हैं एक साइड से ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो मैं फोर्क की हेल्प से इसको ऐसे पलट रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फोर्क से करना ज़्यादा बेटर और इजी लगता है, इजीली हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर अच्छी तरह कलर आ गया है। अब अगेन मैं इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो ऐसे करके एक्चुअली हमें चिकन पूरा पकाना है, पर ध्यान रखना है जलाइएगा मत। अच्छा कलर आ रहा है इसमें चिकन में अभी। तो अगेन अभी हमें चिकन को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पर अभी 5 मिनट हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा चिकन बहुत अच्छी तरह कलर आ गया है, कोटिंग आ गया है। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल लो पे ले आइए और लो पे लाके इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो पे ले आना है, ढक देना है 2 से 3 मिनट तक के लिए। आपको इसको ऐसे ही ढक देना है ताकि बिल्कुल चिकन अच्छी तरह पक जाए। आप देखिए यहाँ पर चिकन वगैरह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है और पक गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे पैन से निकाल लूँगी, एक एक करके सारे पीसेस को निकाल लेंगे अब। तो अभी मैं दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और आप मैं देख सकते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा तेल भी नहीं डाला, उसी में ही मैं इसे पका रही हूँ। तो देखिए ये जो बचा हुआ जो मैरिनेशन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। ये मैरिनेशन जब हम मसाला बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये चिकन भी रेडी हो गया है। तो अभी मेरा सारा चिकन अच्छी तरह फ्राई होकर मिल गया है। तो यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा चिकन ऐसे रेडी हो गया है फ्राई होके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में इसे डाल लिया है, किसी भी बर्तन में आप डाल लीजिए सारे चिकन को। अब आपको इसके ऊपर एक फॉइल रखना है, सिल्वर फॉइल। अगर सिल्वर फॉइल नहीं है तो कोई भी आप स्टील की कटोरी छोटी सी रख लीजिए। ये है चारकोल, मैंने चारकोल को अच्छी तरह गर्म कर लिया था गैस पर। उस पर थोड़ा सा आप तेल या घी कुछ भी डालिए, कुछ भी ऑयल डालिए और इसको अच्छी तरह कवर कर देना है। तो क्या होगा ना, हमारे चिकन टिक्के में बहुत अच्छा एक तंदूरी स्मेल जो होता है ना, स्मोक फ्लेवर जो आता है ना,
वो आ जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है ये प्रोसेस आप करेंगे तो इसको मैं अभी आधे घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपना मसाला बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, आप चाहें तो वो सेम पैन और वो सेम ऑयल में ही अपना जो टिक्का का मसाला है वो बना लीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पर वीडियो लेने के लिए ही ये पैन को साफ़ कर लिया था, पर आप घर पे बनाएंगे तो ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसी पैन में ही बना लीजिएगा जिसमें आपने चिकन को फ्राई किया है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाला है, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है ये जैसे ही गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को जैसे हम लोग ऑमलेट के लिए काटते हैं ना, बिल्कुल चॉप कर लिया है फाइन, उसी तरीके से आपको काट लेना है और इसे हमें अभी फ्राई करना है। तो टिक्के वगैरह के लिए या तो आप ऐसा करिए कि आप प्याज को ग्राइंड कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, या फिर ऐसे फाइनली इसको चॉप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर चॉप करना ज़्यादा बेहतर समझा है, तो यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो आप देख सकते हैं अब ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, थोड़ा पिंकिश में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून। इसको भी अब हमें प्याज के साथ भूनना है अच्छी तरह, ताकि ये थोड़ा सा हल्का डार्क ब्राउन में आ जाए। तो यहाँ पर अभी जो अदरक लहसुन में थोड़ा पानी ज़्यादा है, तो इसलिए अब वो पानी वगैरह ड्राई होकर इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 4 से 5 मिनट लग जाएगा। तो फ्लेम अभी भी मेरा मीडियम पे है, तो आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन होने शुरू हो गया है। तो अब चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, टोमेटो प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी टोमेटो प्यूरी डालने जा रही हूँ, अदरक लहसुन अच्छी तरह, प्याज और अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो ये 2 टोमेटो मीडियम साइज़ के मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, तो वो डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिलाइए और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करिए। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हमें इसे फ्राई करना है, पहले अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आप, उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, नमक थोड़ा ही डालिएगा, अभी 1/2 टीस्पून के हिसाब से नमक डालिएगा और इसको अच्छी तरह मिलाइए। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जल्दी से पकने शुरू हो जाएंगे, तो नमक डाल देना है, अच्छी तरह मिलाइए। अब इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक देना है इसे। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए 2 मिनट हो गया है और टोमेटो वगैरह पका नहीं है, बट यस उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा डार्किश होने लगा है अब ये। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाले डालने शुरू करते हैं। तो मसाले यूँ हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिए का पाउडर डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नॉर्मल रेड चिली पाउडर डाला है जिसमें मिर्च होता है ज़्यादा। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून या फिर 3/4 टीस्पून तक आप गरम मसाला डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट का मसाला डाला है, चाट का मसाला डालने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है करी में हमारे। तो ये सब डालने के बाद अच्छी तरह आपको मिक्स करना है, तो मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मेक श्योर मसाला जलना नहीं चाहिए, अगर आप इसे ओवर फ्राई कर देंगे तो क्या होगा ना, एक हल्का सा कड़वाहट आ जाता है हमारे मसाले में, तो इस बात का ध्यान रखना है। फ्लेम को आपको लो और मीडियम के बीच में रखना है और धीरे आंच पर इस मसाले को पकाइए आप। लो फ्लेम पर रखकर भी आप पका सकते हैं, तो यहाँ पर तो मेरा फ्लेम अभी लो और मीडियम के बीच में ही है, मीडियम पर भी नहीं है फ्लेम। अच्छी तरह मिक्स करना है हमें इस मसाले को और इसे फ्राई करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा इस मसाले को फ्राई होकर आने में। तो ध्यान रखना है, बीच बीच में मसाले को चलाते रहना है, वो ढक दीजिए, ढक कर इसे हमें पकाना है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला है उसे ढक दिया है, देखिए। तो मैं यहाँ पर जो हमने चिकन में मैरिनेशन लगाया था उसका थोड़ा मसाला बचा हुआ था वो भी मैं इसी के साथ डाल के उसके साथ पका रही हूँ, तो मसाला हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देखिए अभी यहाँ पर मेरे को 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं करी के साइड से सारा तेल निकलना शुरू हो गया है, और अब करी का आप ये जो पेस्ट है इसका कलर भी देखिए, मसाले का कितना अच्छा डार्क कलर हो गया है। तो अब यहाँ पर मेरे को 5 मिनट लगा है इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते करते लो और मीडियम के बीच में, तो अब आप इसको अच्छी तरह मिलाइए। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। तो देखिए ये जो टिक्का का जो मसाला होता है वो रनिंग वाटर या बहुत ही ज़्यादा लूज़
कंसिस्टेंसी वाला करी नहीं होता है, ये थोड़ा थिक ग्रेवी होता है जो चिकन टिक्के में लिपटा हुआ होता है ग्रेवी। तो यहाँ पर अभी मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, आधा ग्लास पानी डाला है, अच्छी तरह मिक्स करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और थिक हो रहा है क्योंकि अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने फुल 3/4 कप पानी डाला है, एक कप पानी भी नहीं, एक कप से कम, 3/4 पानी डाला है, 3/4 कप पानी डाला है। अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए उबालना है। तो आप नमक यहाँ पर चेक कर लेना है आपको, नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, पर ध्यान से डालिएगा नमक। ढककर इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पे छोड़ा था और देखिए तेल सब कितनी अच्छी तरह ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरह हमारा जो ग्रेवी है चिकन टिक्के का वो रेडी हो गया है। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह मिला दिया है इसे, अब हम इसमें जो हमारा चिकन स्मोक करके रखा हुआ था हमने आधे घंटे के लिए, वो डाल देना है इसमें। धीरे से डालिएगा वरना जो करी है थोड़ा सा बाहर स्प्लिट होगा, वरना देखिए धीरे धीरे डाल देना है इसमें हमारे चिकन को, पूरा मसाला सब अच्छी तरह डालिएगा आप। अब इसे धीरे धीरे आपको मिलाना है। तो यहाँ पर चिकन में ये जो करी है बहुत अच्छी तरह आपको मिलानी है, पूरा चिकन इस करी से कवर हो जाना चाहिए आप देखिए यहाँ पर, और फ्लेम को आप लो पर ही छोड़िएगा। तो यहाँ पर अभी अच्छी तरह मैंने लो पर इस करी को 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ रखा है। तो अभी आप कुछ मत करिएगा, 3 से 4 मिनट के लिए आप करी को ऐसे ही छोड़ देना है। 4 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, तो आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी को डाला है ऊपर से। तो आप इसको मिक्स करिए ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है करी में चिकन में बहुत अच्छी तरह आ जाए। फ्लेम जो है वो लो पर ही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे को अभी 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। चिकन डालने के बाद आपको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ना है और कवर मत करिएगा, चिकन को ऐसी खुला ही छोड़िएगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए तेल वगैरह सब ऊपर आना शुरू हो गया है, ग्रेवी देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, थिक ग्रेवी है, ऐसी ही होती है चिकन टिक्के की ग्रेवी, चिकन टिक्का मसाले की ग्रेवी। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी गैस ऑफ करके इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्रेवी का कलर है वो रेडिश हो रहा है, बहुत अच्छा रेड कलर आ रहा है। पर आपने देखा होगा कि होटल वगैरह में इसका कलर जो होता है थोड़ा ऑरेंजिश होता है, वो क्यों, क्योंकि वो लोग क्रीम डालते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाल रही हूँ, ये फ्रेश क्रीम है वो डाल देना है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम नहीं है, तो आप क्या करिए, घर में जो दूध आता है उसकी जो मलाई बनती है, उस मलाई को आप अच्छी तरह स्पून से मिक्स करके वो मलाई आप डाल दीजिए, बस इसमें बढ़िया सा क्रीम बन गया हमारा। तो आप यही करिए, मेरे को यहाँ पर दुबई में वैसा क्रीम नहीं मिलता है, दूध की मलाई नहीं मिलती है, इसलिए मैं ये क्रीम खरीदती हूँ ज़्यादातर, और ये मेरे को ईज़िली अवेलेबल है यहाँ पर फ्रेश क्रीम। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है, लो पर ही है अभी भी मेरा फ्लेम। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। क्रीम डालने से क्या होगा, एक तो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी, और दूसरी बात जो कलर है हमारी ग्रेवी का वो ऑरेंजिश हो जाएगा, रेड से ऑरेंजिश कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है रेस्टोरेंट स्टाइल वो रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर थोड़े से ग्रीन चिली स्लिट करके ऐसे डाल रही हूँ, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये डाल दिया, मिला दिया, और अभी भी फ्लेम मेरा ऑन है बट लो पर ही है। तो आप देखें यहाँ पर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं इसमें। तो अब लास्ट में क्या करना है, इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं सेम कोल जो मैंने यहाँ पर टिक्के के लिए यूज़ किया था वो सेम कोल को मैंने गरम किया है दोबारा। आप ऐसा एक सिल्वर फॉइल रखिए, सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप कोई सी भी स्टील की कटोरी रख सकते हैं, ऐसे रखिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए कोल के ऊपर और इसे कवर कर दीजिए, आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और गैस आपका नीचे से बंद कर दीजिए। आधे घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़िएगा, खोलिएगा मत, ताकि जो वो अरोमा, वो जो चारकोल का जो स्मेल होता है ना, वो हमारे मसाले में बहुत अच्छी तरह आ जाए और ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला बन जाए। तो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए ये है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला। देखिए लग रहा है ना टेम्पटिंग, घर पे इजीली बनाया हमने, कुछ भी बाहर से मतलब अलग से इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ नहीं डाले, घर में ही होते हैं मसाले, उन्हीं मसालों से बढ़िया सा चिकन टिक्का मसाला बना लिया। हर बार चिकन करी खा खा के बोर हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इस लॉकडाउन में, सब लोग घर पर हैं, अच्छा अच्छा खाना बना के आप लोग खिलाइए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, अगर आपको मेरी और भी जो वीडियोस मैंने डाले हैं वो पसंद आए, तो आप ज़रूर उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो अगली अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ मैं आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।